मार्केट के संकेत है सर, वो थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर रहे हैं, प्लस एफआईआई की बिकवाली भी बढ़ गई है सर, आज कैसे कारोबार होगा, क्या रेंज होगी? बाजार खराब तो रहने इसमें कोई डाउट ही नहीं, क्योंकि जिस तरह के संकेत अमेरिका से आते दिख रहे हैं वो थोड़े परेशान करने वाले हैं। और ये जो कमजोरी हुई अमेरिका में, ये थोड़ी अनएक्सपेक्टेड है कि इन्फ्लेशन के जो आंकड़े है वो 40 साल की ऊंचाइयों पर आएंगे और बॉन्ड यील्ड 2% के पार निकल जाएगी, ये हमारे बाजारों का अंदाजा था नहीं। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड खराब खबर अमेरिकी बाजार से आई उस पर हमें रिएक्शन देना ही है, और देना इसलिए भी जरूरी कि अगर पिछले 3 दिनों में हम अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं तो उस मजबूती में अमेरिकी बाजारों का भी कंट्रीब्यूशन है ही, वहां पर जो अच्छी तेजी होती हुई दिख रही है उस वजह से ही हम आगे बढ़े। तो कुल मिलाकर वो संकेत जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और उस लिहाज से एक बार थोड़ी आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। जहां तक बाकी आंकड़ों का सवाल है, एफआईआई के आंकड़े ठीक है, कैश मार्केट में बिकवाली की, लेकिन वायदा कारोबार में खरीदारी अच्छी होगी, घरेलू फंड की तरफ से भी बुरे नहीं, लेकिन वही वाली बात है कि बदले हुए मूड माहौल के साथ वो कितना खरीदेंगे और वो देखने वाली चीज है। सो मेरा ये समझना कि अब वापस से एक बार आप 17,650 के आसपास पहुंचकर जो करेक्शन देंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो निकल कर आता है वो आता है आपके लिए फिर से 17,275 से लेकर 17,350 का। उससे पहले एक छोटा सपोर्ट है 17,425 के आसपास जो कि कल का लो है, आई थिंक उसके आसपास हम खुलेंगे 17,425-450 के आसपास, और वहां से हम देखेंगे कि क्या कुछ आगे होता है। अब आइए ऊपर की तरफ की रेंज 17,625-17,675 ऊपर की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों ही आती हुई दिखेगी अगर वापस पहुंचे तो। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, एक हल्का फुल्का सपोर्ट है 38,500-38,600 की रेंज में, शायद उसके आसपास हम खुलते हुए दिखे, और अगर उसे होल्ड नहीं कर पाए 38,500 के नीचे गए तो फिर सीधा 38,050-38,200 आते हुए दिखेगा। फिलहाल इमीडिएटली सपोर्ट 38,500-38,600 लेकर चले आप। ऊपर की तरफ 39,050-39,200 वो रेंज है जहां पर आपके लिए टिक पाना मुश्किल होगा, और वहां पर आपको ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी कल की तरह। तो ये लेवल से ये रेंज है, इन पर फोकस करना चाहिए।